प्यारे बच्चों नमस्कार। दसवीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर विद्युत में हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 240 पर दिए हुए ये पांच क्वेश्चन इस लेक्चर में हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसके दो पार्ट हैं। ए पार्ट में 1 ओम और 10^6 ओम के दो प्रतिरोधक दिए हुए हैं और बी पार्ट में 1 ओम, 10^3 ओम और 10^6 ओम के प्रतिरोधक दिए हुए हैं। कहता है कि पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगी। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल के देखते हैं, फिर उसके बाद हम कोई निर्णय पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तुम्हें कल में समझ में आ गई होगी आपको कि पहले पार्ट में तो दो ये प्रतिरोध दिए हुए, इनको पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। तीसरे में भी 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, दोनों पार्ट में एक एक प्रतिरोध क्या है, 1 ओम का है। ठीक है, तो पहले तो चलो हम पार्श्व क्रम में संयोजित करके इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसके बाद बाकी निर्णय के बाद हम बाद में करते हैं। कि यहां पर पहला प्रतिरोध R1 जो है वो कितना है, 1 ओम, और दूसरा प्रतिरोध R2 जो है वो कितना, 10^6 ओम। 10^6 ओम का मतलब होता है कि 10^6 तो 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जीरो लगा देनी आपने। ठीक, तो अब इनका पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बराबर R, ये मान लेते हैं इसका। इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 हो जाए 1/1 और 1/R2 एक के आगे 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जीरो गिन करके लगा दीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये बड़े वाला ही आएगा, तो इसको इससे भाग देंगे तो ये 4, 5, 6 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5 और ये। ओके, तो ये 1/R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पलट जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में 1। ठीक, तो जब 10 लाख को हम 10 लाख 1 से भाग देंगे तो ये 0.9 के लगभग आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम जब इसका तुल्य प्रतिरोध देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो छोटा प्रतिरोध है वो 1 ओम का है, उससे भी थोड़ा सा कम प्रतिरोध हमें यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि तुल्य प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध 1 ओम से कुछ कम है। ओके, अब इसी के बी पार्ट में देखिए, यहां पर आपको 3 प्रतिरोधक दे दिए। R1 जो है वो 1 ओम है, R2 है वो 10^3 ओम है, 10^3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो 1000 ओम है, और R3 जो है वो 10^6 ओम है, यानी 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ओम। ठीक, तो वही पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R मान लिया हमने। ठीक, यहां से देखिए कि 1/R जो है किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये
एक बटे एक प्लस एक बटे 1000 प्लस एक बटे 10 लाख, 3 2 5 6। अब इसका एलसीएम जब आप लोगे तो 10 लाख इसका एलसीएम आ जाएगा और ये 3 जीरो से भाग देंगे, 3 कट हो जाएगी, 3 बच जाएगी और ये 1। तो ये ऐड करेंगे तो 1 फिर 2 जीरो फिर 1 फिर 2 जीरो फिर 1 फिर 2 4 6। ओके, यहाँ से आर अगर हम देखें तो ये भिन्न पलट जाएगी, ओके जब इसको सॉल्व करोगे तो भी ये लगभग 0.9 ओम के बराबर आएगा। ठीक, तो अब यहां पर भी हम ये लाइन लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध, सेम टू सेम यहां से देख के कॉपी कर देना आपने कि तुल्य प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध अर्थात 1 ओम से कुछ कम है। तो बारी आती निर्णय लेने की, तो निर्णय यहां से क्या निकल करके आता है कि देखिए, एक तो हमने 1 ओम का लिया, एक बहुत बड़ा लिया, इसमें एक 1 ओम का लिया, एक काफी बड़ा लिया, एक इन दोनों के बीच का लिया। दोनों ही केस में हमने क्या किया, तुल्य प्रतिरोध निकाल के देखा। और वो तुल्य प्रतिरोध क्या है, जो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटा जो प्रतिरोध है उससे भी कम आया। तो इसका मतलब जब भी प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध से कुछ कम आएगा, ये निर्णय है यहाँ पर। तो देखिए, जो निष्कर्ष हमने निकाला वो मैंने लिख दिया है कि पार्श्व क्रम में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन सब में छोटे प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। ओके, आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित करते तो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहां देखिए कि आपको एक तो विद्युत लैंप दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। दूसरा एक विद्युत टोस्टर दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध 50 ओम है और तीसरा एक जल फिल्टर दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध 500 ओम है और तीनों ही कहाँ जोड़े गए हैं, पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, एक 220 वोल्ट विभवांतर के साथ। ओके, अब ये कहता है देखिए कि यहां से अगर विद्युत धारा जाएगी तो पार्श्व क्रम में आपको पता है कि अलग अलग विद्युत धारा जाती है, I1, I2 और I3। अब ये कहता है कि एक विद्युत स्त्री है, उसको उसी स्रोत के साथ यानी 220 वोल्ट के साथ जोड़े तो जितने तीनों मिलकर के लेते हैं उतनी विद्युत धारा ये अकेले ले लेती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अब ये प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I के बराबर है। इसका मतलब इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध है। तो यहाँ R1 जो है वो 100 ओम, R2 जो है वो 50 ओम और R3 जो है वो 500 ओम है। ठीक, तो हम ये लिख देते हैं कि स्त्री का कुल प्रतिरोध यानी R या स्त्री का प्रतिरोध R, R1, R2 तथा
आर थ्री के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। इसलिए एक बटे आर, क्योंकि पार्श्व क्रम में है तो पार्श्व क्रम का सूत्र लगाएंगे, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, एक बटे सौ प्लस एक बटे पचास प्लस एक बटे पांच सौ। सौ पचास और पांच सौ का एलसीएम लेंगे तो सौ पांचे पांच सौ, पचास दाए पांच सौ और पांच सौ एकम पांच सौ, तो पंद्रह दस पांच पंद्रह एक सोलह बटे पांच सौ आ जाएगा। तो आर यहां से क्या आ जाएगा, इसको पलट देते हैं, पांच सौ बटे सोलह ओम, तो पांच सौ को जो सोलह से भाग देंगे तो इकतीस दशमलव दो पांच ओम आएगा। ठीक, इसलिए विद्युत स्त्री का प्रतिरोध इकतीस दशमलव दो पांच आ जाएगा। इसलिए विद्युत स्त्री का प्रतिरोध बराबर इकतीस दशमलव दो पांच ओम आ जाएगा। अब ये कहता है कि इस तरह से कितनी विद्युत धारा बहेगी, अब V आपके पास है, R आपके पास है, तो I निकालना है। तो विद्युत धारा या स्त्री में से प्रवाहित विद्युत धारा I, V बटे R, ओम का नियम लगा दिया, V है 220 वोल्ट और R है 31.25, तो यहाँ पर 220 बटे 31 25, इसका दशमलव हटा लीजिए 100 लग जाएगा। ठीक, फिर ये 25 पे कट जाएगा और जब आप ये सारा सोल्व करोगे तो ये आएगा 7.04 विद्युत धारा, तो ये एम्पियर में आएगा। ओके, आगे प्रश्न नंबर तीन देखिए कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर क्या लाभ है। अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर वैसे तो अपने घरों में जितने भी अप्लायंसेस जुड़े हुए होते हैं, सारे जो कनेक्शन है वो सारे पार्श्व क्रम में होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इन सभी को सीरीज में जोड़ देता हूँ, या सीरीज का एक उदाहरण है कि जैसे हम अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए लड़ियाँ लगाते हैं किसी त्यौहार पे या शादी पार्टी के टाइम, तो लड़ियाँ आपने देखी होगी उसमें बहुत सारे ऐसे बल्ब लगे हुए होते हैं, ये सारे सीरीज में लगे होते हैं। ठीक, और यहाँ से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए सर्किट क्लोज है, यहाँ बैटरी मान लेते हैं कि ये है। ओके, तो मान लेते हैं कि बीच में से एक बल्ब फ्यूज हो गया, फ्यूज होते क्या है कि ये पूरी लड़ी बंद हो जाएगी। ठीक, बाकी सारे ठीक है लेकिन फिर भी काम नहीं करेंगे, इसका मतलब बाकी सारे स्वतंत्र नहीं है, एक पर डिपेंड हो गए, यानी पूरे सीरीज में कहीं भी एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो कोई भी बल्ब काम नहीं करेगा, बाकी स्वतंत्र नहीं है। ठीक, लेकिन अगर समांतर में ये जुड़े हो तो समांतर का जैसे आपने चित्र कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था कि सभी का एक सिरा एक जगह और दूसरा सिरा दूसरी जगह ऐसे। अब मान लीजिए कि ये फ्यूज हो गया, अगर ये फ्यूज हो गया तो बाकी दो तो चलते रहेंगे क्योंकि करंट अब यहां से पास हो जाएगा, सर्किट क्लोज, यहां से भी पास होगा तो ये भी जलेगा ये भी जलेगा। ठीक, तो यहां पर सबसे पहला जो फायदा है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया पहले, यहाँ पर हमारा पंखा चल रहा है, ये फ्रिज चल रहा है, ठीक, तीनों पार्श्व क्रम में, बाय चांस बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पंखा और फ्रिज तो काम करते रहेंगे। ओके, तो यही फायदा होता है पार्श्व क्रम का, एक फायदा है कि इसमें प्रत्येक युक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, प्रत्येक डिवाइस को स्वतंत्रता पूर्वक आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, किसमें
जो सर्किट का प्रतिरोध है वो कम होता है पार्श्व क्रम में। यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए R1, R2, R3, R4, R5, कुल प्रतिरोध क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5, प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पार्श्व क्रम में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल में देखा, पहले न्यूमेरिकल में ही, कि प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? कम होता है। जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी कुल प्रतिरोध क्या होगा पार्श्व क्रम में? कम होगा। ठीक। अब अगर एक किसी अप्लायंसेज में कोई त्रुटि रह जाती है तो बाकियों को प्रभावित नहीं करता, और सभी उपकरणों को वोल्टता भी क्या मिल जाती है? समान, कि विभवांतर सभी के अक्रॉस क्या रहता है? समान रहता है। तो ये फायदे हैं इसके। क्या क्या फायदे बताए मैंने? प्रत्येक अप्लायंसेज को स्वतंत्रता पूर्वक यूज कर सकते हैं, प्रतिरोध घट जाता है, परिपथ में अगर एक युक्ति में कोई भी त्रुटि आ जाती है तो बाकी युक्तियां प्रभावित नहीं होती, और वोल्टता क्या रहती है? सभी युक्तियों के लिए समान रहती है। तो देखिए, इसके जो चारों फायदे मैंने आपको समझाए थे, मैंने लिख भी दिए हैं, तो आप यहां से इनको कॉपी कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध फर्स्ट पार्ट है 4 ओम होगा और सेकंड पार्ट है 1 ओम होगा। तो देखिए, आपको तीन प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध 2 ओम है, दूसरा प्रतिरोध जो है 3 ओम है, और तीसरा प्रतिरोध जो है वो 6 ओम है। इनको इस तरह से संयोजित करना है कि 4 ओम प्रतिरोध हमें मिल जाए। तो थोड़ी सोचने वाली बात है कि हम अलग अलग तरह से दिमाग लगाते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा। अगर तीनों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दें तो बिना कैलकुलेशन के अगर आप अंदाजा लगाएं तो पार्श्व क्रम में, तो अगर तीनों जोड़ेंगे तो पार्श्व क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके सबसे छोटे से भी कम आएगा, यानी 2 से भी कम आएगा। इसका मतलब न तो आप इनको सीरीज में जोड़ सकते, न तो आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते, न ही इसको पार्श्व क्रम में जोड़ सकते। तो फिर क्या इलाज है इसका? इसका इलाज यही है कि 2 तो होने चाहिए पार्श्व क्रम में और तीसरा होना चाहिए उसके साथ श्रेणी क्रम में। कि 2 तो कुछ इस तरह से पार्श्व क्रम में हो और तीसरा इसके साथ है श्रेणी क्रम में हो। तो अब अगर हम सोचें कि R1 और R2 यहां लगा दें और R3 यहां लगा दें, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध तो 2 से कुछ कम बनेगा, यानी मैं मान लेता हूं 1 पॉइंट समथिंग है, और यहां अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 और 1 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 तो फिर भी नहीं आया। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि R2 और R3 को यहां पर, R2 और R3 को आप यहां समांतर में रखिए, पार्श्व क्रम में रखिए, और R1 को आप यहां रख दीजिए। ठीक। तो यहां पर R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R' है, इसलिए 1/R' जो है किसके बराबर होगा? 1/R2 प्लस 1/R3। R2 कितना? 3। R3 कितना? 6। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 × 6 = 6, 6 × 6 = 6, 3/6 यानी 1/2। तो R' आ गया 2 ओम। इसको पलटना मत भूल जाना, R' कितना आ गया? 2 ओम। तो इसका अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये 2 ओम और R1 भी कितना है? 2 ओम। तो इन दोनों की जगह तो ये हो गया, इसकी जगह ये हो गया, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया, बन गई बात फिर। तो अब कुल प्रतिरोध R' प्लस R1, कुल प्रतिरोध बराबर R' प्लस R1, 2 ओम प्लस 2 ओम
कितना हो गया 4 ओम। ठीक, अब ये तो आ गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको लेना है 1 ओम। अब 1 ओम देखिए 2 से भी छोटा है, और 2 से भी छोटा प्रतिरोध कब आएगा, जब तीनों किस में हो, पार्श्व क्रम में हो। तो यानी यहां पर हम R1, R2 और R3 को R1, R2 और R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 यानी 1/2 + 1/3 + 1/6 छह एलसीएम है, 2 3 6 3 6 6 1 6 3 2 5 6 6 1 1/R = 1 तो R = भी क्या होगा, 1 ओम होगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तथा R1 को इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और 1 ओम प्राप्त करने के लिए R1, R2 तथा R3 तीनों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। अब इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और संयोजन से निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अब देखिए, अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, जब ये श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे, और निम्नतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, जब ये पार्श्व क्रम में संयोजित होंगे। तो यहाँ पर पहले R1 लिख लेता हूँ कितना, 4 ओम, R2 लिख लेता हूँ 8 ओम, R3 लिख लेता हूँ 12 ओम, और R4 जो है वो यहाँ पर 24 ओम है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ओके, तुल्य प्रतिरोध R = इसलिए तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 + R4, 4 + 8, 4 ओम + 8 ओम + 12 ओम + 24 ओम, इन सभी को आप ऐड करोगे तो 4, 8, 12, 12, 24 + 24, 48 ओम प्राप्त होगा। ठीक, अब इसका बी पार्ट देखिए कि निम्नतम प्रतिरोध, निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, हम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। तो देखिए, 1/R जो है वो किसके बराबर होगा, 1/R1 + यानी तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R इस प्रकार होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, 1/4 + 1/8 + 1/12
बारह प्लस एक बटे चौबीस, एलसीएम आएगा चौबीस चार छिके चौबीस, आठ तीय चौबीस, बारह दूनी चौबीस, चौबीस एकम चौबीस, छः तीन नौ दो ग्यारह एक बारह उठे चौबीस, बारह एकम बारह, बारह दूनी चौबीस, एक उठे दो, एक उठे आर बराबर एक उठे दो है तो आर बराबर कितना आ जाएगा, दो ओम आ जाएगा। ओके तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।